राष्ट्रपति चुनाव द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम भी मुर्मू के नामांकन में पहुंचे। इस दौरान जदयू बीजद के नेता भी शामिल हुए। बीजद प्रमुख नवीन पटनायक और आंध्र के सीएम जगन मोहन रेड्डी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। नामांकन के दौरान ओडिशा की सत्ताधारी बीजू जनता दल के प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार के दो वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। बीजद ने मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन किया। 2022 के लिए एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने आज नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में पीएम मोदी प्रस्तावक और राजनाथ सिंह अनुमोदक बने। इतना ही नहीं, द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के लिए दौरान एनडीए की एकजुटता भी नजर आई। नामांकन दाखिल करने से पहले द्रौपदी मुर्मू ने संसद में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, डॉक्टर बीआर अंबेडकर और बिरसा मुंडा की प्रतिमाओं पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन में ही बीजेपी शासित राज्यों के सीएम से मुलाकात भी की। झारखंड की पूर्व राज्यपाल और एनडीए की राष्ट्रपति प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद भवन में नामांकन दाखिल किया। इस मौके पर पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत एनडीए के बड़े नेता और कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम भी मुर्मू के नामांकन में पहुंचे। इस दौरान जदयू बीजद के नेता भी शामिल हुए। बीजद प्रमुख नवीन पटनायक और आंध्र के सीएम जगमोहन रेड्डी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। नामांकन के दौरान ओडिशा की सत्ताधारी बीजू जनता दल बीजद के प्रतिनिधि के रूप में राज्य सरकार के दो वरिष्ठ मंत्री मौजूद रहे। बीजद ने मुर्मू की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। Love you, दीपिका। Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।